किसान भाइयों, सादर नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने चैनल एग्री शरद में। किसान भाइयों, आज एक प्लॉट पे क्राइसोपल्ला केरनिया का अंडा डल रहा है। ये सफ़ेद मक्खी का परजीवी है। सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण करता है। सफ़ेद मक्खी के साथ साथ ये जो है थ्रिप्स, माइट्स और सूंड़ी के अंडे को भी खाता है। किसान भाइयों, ये अंडा डालने के लगभग 5 से 6 दिन बाद ये फूटता है और इसमें लार्वा निकलता है। लार्वा बहुत तेज़ी के साथ शिकार पे निकलता है। ऐसे लगता है कि वो भूखा हो और जहाँ भी सफ़ेद मक्खी का अंडा हो या प्यूपा हो वो खोज खोज के खाता है। सफ़ेद मक्खी का अटैक आपके प्लॉट पे है, ये आप कैसे जानेंगे? आप पत्ती को पलट के देखें तो पत्ती पे जो है काला काला आपको प्यूपा दिखाई देगा। तब आप समझ जाएं कि आपको अब इसके नियंत्रण करने का समय है। आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक ये अंडा डालना है। ये अंडा आपको आपके नज़दीकी केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र या आपके नज़दीकी किसी शुगर फैक्ट्री पे उपलब्ध होगा। आप वहाँ से ला करके और सावधानीपूर्वक अपने खेत में डाल दीजिए। किसान भाइयों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि क्राइसोपल्ला 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक बहुत ही अच्छा काम करता है। क्राइसोपल्ला की लाइफ साइकिल की बात करें तो इसका जो एडल्ट है वो अंडा देती है एक बार में 200 से 300, और 5 दिन बाद अंडे से लार्वा निकलता है। लार्वा जो है भोजन करता है, यही इसका स्टेज है जो सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करता है। लार्वा 5 से लेकर 20 दिन बाद जो है, सॉरी 15 से 20 दिन बाद प्यूपा बन जाएगा, और प्यूपा 10 दिन बाद एडल्ट बन जाएगा और ये फिर पुनः अंडा देना प्रारंभ कर देगी। किसान भाइयों, आपको प्लाट में दिख रहा होगा सावधानी पूर्वक अंडा डल रहा है। आपको भी ऐसे ही डालना है एकदम सावधानी पूर्वक। तो किसान भाइयों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है। ये देखिए, पौधे में अंडा डल गया है। इसी तरह आपको भी डालना है पत्ती के एकदम ऊपर, कि अंडा नीचे नीचे न गिरे, नुकसान ना हो। ये देखिए। तो किसान भाइयों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।